शहडोल में पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी के मामले में महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र की गांधी चौक स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में 12 अप्रैल को महिला चोरों ने दिन दहाड़े चोरी के वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद चार महिला चोरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 लाख रुपए की कीमत का सोने चांदी के जेवर बरामद किया गया है। बता दें कि शहडोल पुलिस ने चोरों की पतासाजी के लिए 20 से ज्यादा जिलों में दबिश दी। आधा दर्जन से भी ज्यादा पुलिस टीम का गठन किया गया था। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। वहीं सफलता में सबसे बड़ी भूमिका साइबर की रही। एडीजीपी शहडोल ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। शहडोल जिले में कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी पायल ज्वेलर्स के यहाँ, जिसमें ज्वेलरी गई थी चोरी। और शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा अपनी कर्मठता और कर्तव्य परायणता को प्रदर्शित करते हुए अपनी टीम के साथ, जिसमें उनके एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई, साइबर सभी मौजूद थे, सबने अथक मेहनत की और डिजिटल तकनीक के माध्यम से इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया कि ये वारदात जो चोरी की है, जो बहुत बड़ी चोरी है शेड्यूल के दृष्टिकोण से, उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं वो महिलाएं हैं और उन महिलाओं को पुलिस कोटा से सम्मान वहाँ से लाई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो सामान चोरी गया है उस सामान की रिकवरी के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी मिली भी है, परंतु शेष प्रॉपर्टी किधर है इसमें इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ही आएगा। इसमें चार आरोपी पकड़े गए हैं और जो मसरूका है वो लगभग 7 लाख का है और बाकी जो है विवेचना के अंतर्गत इनके रिमांड लेने पर, इनसे पूछताछ के बाद मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ में इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करने में कामयाब होंगे। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।